नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आपका स्वागत है बिहारी न्यूज के साप्ताहिक रोजगार समाचार में। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी पटना द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 69, जिसमें से यूआर के लिए 28 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है, ओबीसी के लिए 8 है, ओबीसी महिलाओं के लिए 2 है, ईबीसी के लिए 12 है, एससी के लिए 11 है, वहीं एसटी के लिए 1 है। वहीं अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यताएं कुछ इस प्रकार है: डिग्री इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या टेक्सटाइल या सिविल या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या केमिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन विद मिनिमम सेकंड डिवीजन मार्क्स का होना अनिवार्य है। वहीं अगर उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 37 साल की उम्र सीमा तय की गई है, जिसमें कि पुरुषों के लिए 21 वर्ष तो वहीं महिलाओं के लिए 40 वर्ष। इसके अलावा अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल बीसी ईडब्ल्यूएस को 600 रुपए देने होंगे, वहीं एससी एसटी को 150 रुपए देने होंगे, बिहार डोमिसाइल फीमेल को 150 रुपए देने होंगे। आखिरी तारीख की बात करें तो 2/3/2020 की तय की गई है, जो कि इसके आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे हाईकोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर MP द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है जूनियर सिस्टम एनालिस्ट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 50। वहीं अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो BE या BTech, CS या IT में या MCA या MSc, CS या IT में, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस लिनक्स से, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से, या फिर विंडोज या फिर DBMS या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या डेस्कटॉप एंड नेटवर्क सपोर्ट से होना अनिवार्य होगा, या ME या MTech की लिनक्स में 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ, या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फिर विंडोज या DBMS या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या डेस्कटॉप एंड नेटवर्क सपोर्ट के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य होगा। वहीं अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा 55 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को इन पदों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख की बात करें तो 2 मार्च की तय की गई है, जो कि इसके आधिकारिक वेबसाइट mphc.gov.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं, और साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स पटना द्वारा निकाले गए रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है सीनियर रेसिडेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 4। अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो MBBS और MD इन माइक्रोबायोलॉजी का होना अनिवार्य होगा। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR और OBC को 1000 रुपए देने होंगे, वहीं SC ST PWD और महिलाओं को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। वॉक इन इंटरव्यू तारीख की बात करें तो 3/3/2020 की तय की गई है, जो कि इसके आधिकारिक वेबसाइट aimspatna.org पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे हाईकोर्ट ऑफ मेघालय शिलोंग द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है स्टेनोग्राफर कुक। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 4। अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं हैं, जिसके तहत ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी का होना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ इंग्लिश में 120 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना, और साथ ही शॉर्ट हैंड में कम से कम 50 WPM इन कंप्यूटर का होना अनिवार्य है। इसके अलावा डिप्लोमा इन कुकिंग का होना अनिवार्य है। इसके साथ ही 10+2 की डिग्री होना भी अनिवार्य है। वहीं अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा 27 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST कैंडिडेट्स को 200 रुपए देने होंगे और बाकी सभी कैंडिडेट्स को 400 रुपए देने होंगे। आखिरी तारीख की बात करें तो 4/3/2020 की तय की गई है, जो कि इसके आधिकारिक वेबसाइट meghalayhighcourt.nic.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं, और साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे सेंट्रल रेलवे मुंबई द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है जूनियर टेक्निकल एसोसिएट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 37। वहीं अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का होना अनिवार्य होगा। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 33 साल की उम्र सीमा तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST OBC फीमेल माइनॉरिटीज EWS को 250 रुपए देने होंगे, वहीं जनरल कैटेगरी को 500 रुपए देने होंगे। आखिरी तारीख की बात करें तो 6/3/2020 तय की गई है, जो कि इसकी आधिकारिक वेबसाइट cr.indianrailways.gov.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया PGCIL लखनऊ द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है फील्ड इंजीनियर फील्ड सुपरवाइजर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 36 है। वहीं अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं हैं, जिसके तहत BE या BTech या BSc या डिप्लोमा इन रेलेवेंट फैकल्टी का होना अनिवार्य है। वहीं अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा 29 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो फील्ड इंजीनियर को 400 रुपए देने होंगे, वहीं फील्ड सुपरवाइजर को 300 रुपए
देने होंगे। वहीं एससी एसटी ईएक्सएसएम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख की बात करें तो 6/3/2020 की तय की गई है, जो कि इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.powergridindia.com पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS दिल्ली द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है टेक्निकल असिस्टेंट सीनियर टेक्नीशियन। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 50। वहीं अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं हैं, जिसके तहत BSc इन साइंस या इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन इन रेलिवेंट सब्जेक्ट्स या मैट्रिक विद ITI इन रेलिवेंट ट्रेड्स का होना अनिवार्य होगा। वहीं अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल तय की गई है, वहीं अधिकतम उम्र सीमा 28 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ₹500 आवेदन शुल्क के रूप में आपको देना होगा। आखिरी तारीख की बात करें तो 8/3/2020 की तय की गई है, जो कि इसकी आधिकारिक वेबसाइट bis.gov.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड CGPEB रायपुर द्वारा निकाले गए रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है क्विक राइटर हिंदी, स्टेनोटाइपिस्ट DEO असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 144। वहीं अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12वीं या शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग नॉलेज एंड 1 साल का डिप्लोमा इन DEO या प्रोग्रामिंग में होना अनिवार्य होगा। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 40 साल के व्यक्ति इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल को ₹350 देने होंगे, OBC को ₹250 देने होंगे, वहीं STPH को ₹200 देने होंगे। आखिरी तारीख की बात करें तो 8/3/2020 की तय की गई है, जो कि इसके आधिकारिक वेबसाइट cgvyapam.choice.gov.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन MSSC मुंबई द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है सिक्योरिटी गार्ड। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 7000। अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट्स जिन्होंने 10+2 पास किया हुआ हो वो इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। साथ ही साथ रिक्वायर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से सभी अभ्यर्थी आवेदन भर सकते हैं। वहीं अगर उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 28 साल तय की गई है और एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ₹250 आवेदन शुल्क के रूप में आवेदकों को देना होगा। वहीं आखिरी तारीख की बात करें तो 10/3/2020 की तय की गई है, जो कि इसके आधिकारिक वेबसाइट mahasecurity.gov.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली द्वारा निकाले गए रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है साइंटिस्ट, बायोकेमिस्ट, मेडिकल फिजिसिस्ट, स्टोर कीपर, प्रोग्रामर, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर AC एंड रेफ्रिजरेटर, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, लाइफगार्ड, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, न्यूक्लियर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट वार्डन, सैनिटरी इंस्पेक्टर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 430 है। वहीं अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो PhD या PG या बैचलर्स डिग्री इन रेलिवेंट एरिया या डिप्लोमा या BE या 10+2 पास होना अनिवार्य होगा। वहीं अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो लगभग 45 साल की उम्र के व्यक्ति इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR और OBC को ₹1500 देने होंगे, वहीं SC ST पीरियड B को ₹1200 देने होंगे, वहीं PH को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इसके साथ ही आखिरी तारीख की बात करें तो 12/3/2020 की तय की गई है, जो कि इसके आधिकारिक वेबसाइट www.aims.edu पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे CSIR नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है प्रोजेक्ट असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 75। वहीं अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो BSc इन फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में 55% मार्क्स के साथ पास होना अनिवार्य होगा। वहीं उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा 28 साल तय की गई है। आवेदन शुल्क की बात करें तो इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख की बात करें तो 12/3/2020 की तय की गई है, जो कि इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.neeri.res.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं।
अब आगे हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT दिल्ली द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है गेस्ट फैकल्टी लैब इंजीनियर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 2। वहीं अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता है, जिसके तहत BE या BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स का होना, या फिर PhD विद फर्स्ट क्लास इन फील्ड ऑफ VLSI डिजाइन और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इसके समकक्ष कोई डिग्री होना अनिवार्य होगा। वहीं अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो आवेदकों के लिए कोई उम्र सीमा तय नहीं की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को इन पदों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इंटरव्यू डेट की बात करें तो 13/3/2020 की तय की गई है, जो कि इसके आधिकारिक वेबसाइट NIT Delhi.ac.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। रोजगार से जुड़े समाचार के लिए अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।